किसकी बेटी हो? पापा। पापा और मम्मा। मम्मा और पापा। और पापा। और किसकी बेटी हो? पापा। अच्छा नाना। नाना की? पापा। अच्छा और नाना। पुशु नोजी बताओ आपके। नोजी कहाँ पे है? कहाँ टंग कहाँ पे है टंग? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, शादी के बाद मैंने करीब एक हफ्ते तक व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैसे तो शादी से पहले भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन शादी के चलते बीच में ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं घर पर ही रुक गई थी। बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे, मैं मम्मी के पास ही थी। और आज हम अभी नोएडा जा रहे थे तो मैंने सोचा सुबह थोड़ा सा मम्मी के साथ शूट कर लेती हूँ। अभी मम्मी काफ़ी बेटर फील कर रही है और यहाँ पर देखिए खुशी जो है नानी के साथ मस्ती कर रही थी, तो मैंने सोचा कुछ मोमेंट आपके साथ भी शेयर किए जाएं। चीन कहाँ पे है कुशु? चीन चीन चीन। ये क्लैपिंग। चलो आपके स्कूल का नाम बता दो। स्कूल का नाम बता दो। और अब मम्मी की तबीयत थोड़ी बेटर थी, करीब हफ्ता हो गया था हमें मम्मी के पास। और इसके बाद मैं चली अपने घर की ओर, यानी कि नोएडा की ओर। और यहाँ पर अभी हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर हमें छोड़ने आए हुए थे मेरे पापा और मेरे जीजा जी, और साथ में थे मनप्रीत। और यहाँ पर ये देखिए ये बच्चे सभी आपस में बातें कर रहे थे। और ऐसे ही बातें करते करते हम पहुँच गए सीधा रेलवे स्टेशन। ये व्लॉग शूट किया था मेरे छोटे भतीजे मनप्रीत ने। और फाइनली गाइस, हमें हमारी ट्रेन मिल गई है। तो अभी हम ढूंढ रहे थे हमारा डिब्बा कि किधर है। और यहाँ पर साथ में मेरे पापा थे। इसलिए हाँ आज अंदर आ जाओ। हाँ अच्छा। और मनप्रीत जो है उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन में बैठने का, तो मैंने सोचा उससे कुछ पूछा जाए। मनु कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा। और यहाँ पर ट्रेन के चलने का भी टाइम था तो इसलिए सभी ने खाए यहाँ पर कुरकुरे। और उसके बाद ये हमें यहाँ पर बैठा कर चले गए थे क्योंकि अभी टाइम हो गया था ट्रेन के चलने का, करीब 2-3 मिनट ही बाकी थी। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये विंडो से हमें देख रहे थे कि क्योंकि ट्रेन जो है वो चलने वाली थी अभी। यहाँ पर देखिए मनप्रीत और ये साथ में मेरे पापा, और यहाँ पर दौड़ते हुए मेरे जीजा जी भी आए थे, वो मैं कैप्चर अच्छे से नहीं। बाय बाय। ये देखिए और फाइनली अभी सफ़र होता है हमारा स्टार्ट। और यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हुए जो है ये सफ़र पूरा किया। इन्होंने भी कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक ख़त्म होने के बाद ये ऐसे खेले, फ़ोन मांग रहे थे, फ़ोन मैंने इनको नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने ये खेल खेला और जैसे ही थक गए उसके बाद ये लेट गए थे मेरी गोद में। और तो ऐसे ही हमारा सफ़र जो है कम्प्लीट हो गया। और यहाँ पर देखिए ध्रुवी जो है मेरे बैग के साथ खेल रही थी। और फाइनली हम पहुँच गए दिल्ली। और यहाँ पर हमें लेने आए थे मेरे हस्बैंड। और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही था मेट्रो स्टेशन, तो अभी हम उधर ही जा रहे थे मेट्रो स्टेशन की ओर। और तो फाइनली हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, लेकिन अभी हमारी मेट्रो नहीं आई थी तो अभी हमने यहाँ पर करीब 2-3 मिनट के लिए वेट किया। और ये लीजिए फाइनली हमारी मेट्रो भी आ गई। मेट्रो का ये बहुत ही अच्छा रहता है कि इसमें ज़्यादा देर के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता। अगर एक मेट्रो छूट भी जाती है तो उसके मैक्सिमम 2-3 मिनट के बाद ही दूसरी मेट्रो आ जाती है। और यहाँ पर देखिए बच्चे करीब एक हफ्ते के बाद अपने पापा से मिल रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे।
और यहाँ पर ये ढेर सारी बातें अपने पापा के साथ कर रहे थे। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए नोएडा और अभी यहां से लेंगे ऑटो और उसके बाद पहुंच जाएंगे सीधा घर। अच्छी लग रही है देखने में। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने लगी हूँ। आई रियली होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल स्पार्कलिंग स्माइल व्लॉग का सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।